साथियों, जैसा आप जानते हैं, हमारा आज का विषय जो है वो भारत की चुनाव प्रणाली पर है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए। देखिए, आप और हम सब जानते हैं कि जो चुनाव प्रणाली है या जो चुनाव हैं वो किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था का बुनियादी अंग होते हैं। चुनावों से ही लोकतंत्र स्थापित होता है, चुनावों से ही एक चुनी हुई सरकार जो है वो सत्ता में आती है, और चुनावों से ही जो जनता की भागीदारी है लोकतंत्र में, या जो निर्णय लिए जाते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, वो चुनावों के जरिए ही संभव हो पाता है। और चुनावों का मकसद ये होता है एक लोकतंत्र में कि जो जनता की भावना है, जो जनता की राय है, वो चुनी हुई संस्थाएं हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्य के विधानसभाएं हो, उनमें पहुंच सके और फिर उनकी आवाज के अनुसार, उनकी राय के अनुसार, उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो निर्णय ले सकें, वहां कानून बना सकें, नीतियां बना सकें। तो एक तरह से ये एक रिप्रेजेंटेटिव जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें चुनाव ये भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं भारत के बारे में, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और बड़ा देश होने के साथ साथ जो एक और महत्वपूर्ण बात जो है, जो खासियत है हमारे देश की, कि ये एक बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुजातीय देश है। शायद ही दुनिया के किसी और देश में इतनी विविधताएं पाई जाती हों जितनी भारत में है। भारत में दुनिया के जो 8 बड़े धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं उनमें 8 बड़े धर्म हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, और भाषाएं तो आप जानते ही हैं कितनी हैं। भाषाओं के अलावा आप बोलियां, जिसको हम डायलेक्ट कहते हैं, खाना पीना, रहन सहन, और इसके अलावा जो आर्थिक विषमताएं हैं वो भी बहुत हैं। बहुत अमीर भी इस देश में हैं, बहुत गरीब भी हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे बहुत लोग हैं, मध्यम वर्ग के भी बहुत लोग हैं, मध्यम वर्ग में भी आगे श्रेणियां हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान को सही रूप में कहते हैं कि ये विभिन्नताओं का देश है। तो ऐसे देश में जहां इतनी विभिन्नताएं हों, यह और भी जरूरी हो जाता है कि उस देश की जो चुनाव प्रणाली है वो सही मायने में प्रतिनिधित्वकारी हो, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव जब इसको कहते हैं, कि समाज में रह रहे इन सब तमाम लोगों को, इन तमाम समुदायों को, चाहे वो भाषा के आधार पर बने हुए समुदाय हों, चाहे वो धार्मिक समुदाय हों, चाहे वो जातीय समुदाय हों, या आर्थिक आधार पर बटे हुए समुदाय हों, उन सबकी आवाज जो है हमारी संस्थाओं में, चुनी हुई संस्थाओं में पहुंच सके, और जिसके परिणाम स्वरूप उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बन सके, नीतियां बन सके, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत जरूरी है फिर एक सही चुनाव प्रणाली। मैं यहां थोड़ा संक्षेप में चुनाव प्रणालियों की बात जरूर करना चाहूंगा। अगर हम दुनिया भर में देखें तो दुनिया भर में मुख्यतः दो तरह की चुनाव प्रणालियां पाई जाती हैं बड़े रूप में। एक तो है बहुमतवादी चुनाव प्रणाली, जिसको हम मेजॉरिटी रूल बोलते हैं, और दूसरी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पीआर, यानी कि हिंदी में हम इसको अनुपातिक चुनाव प्रणाली कह सकते हैं। ये मुख्य तौर पर दो श्रेणियां हैं जिनमें हम चुनाव प्रणालियों को बांट सकते हैं। अब इन दोनों श्रेणियों में भी बहुत सी आगे श्रेणियां हैं, जैसे कि बहुमत, मेजॉरिटी रूल जिसको हम कहते हैं, उसमें आगे कई प्रकार की प्रणालियां हैं, जिनमें से एक फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली है जो हमारे हिंदुस्तान में चल रही है। उसमें आप जानते हैं कैसे चुनाव होता है कि पूरा देश या प्रांत आगे विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों में बटा होता है, वहां 2 से अधिक जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ते हैं,
कई जगह तो सात सात आठ आठ दस दस पंद्रह पंद्रह कैंडिडेट होते हैं। और एफपीटीपी के तहत नियम ये है कि जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा चुनाव वोट ले लेगा वो विजित घोषित किया जाएगा। और इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो देखने में आया है, बहुत कम जगहों पर ऐसे होता है कि एक जीतने वाला जो कैंडिडेट है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, वो 50% से वो ज्यादा वोट लेकर जाए। ये बहुत कम बार होता है। बहुत ज्यादातर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो 50% से नीचे ही रहते हैं। तो एक तो ये है बहुमत वाली जो मेजोरिटी रूल है उसमें। इसमें ये जो प्रणाली है ये आमतौर पर उन देशों ने अपनाई जहां अंग्रेजों का कहीं ना कहीं शासन रहा किसी ना किसी वक्त पर। इंग्लैंड में है ये, भारत में है ये, और बहुत से ऐसे देशों में ये थी। इसी मेजोरिटी रूल में एक और है जो चुनाव प्रणाली, वो ये है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो 50% कम से कम वोट जरूर ले, तो वहां यह किया गया है कि एक बार एक क्षेत्र में चुनाव हो गया, ज्यादा कैंडिडेट हैं और उसमें किसी को 50% नहीं मिले, अगर किसी को मिल गए और वो उसके सबसे ज्यादा वोट हैं तो उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को वोट नहीं मिलते 50% से ज्यादा, तो ऐसा किया जाता है कि एक बार चुनाव हो गया तो फिर दूसरी बार चुनाव होता है उसी क्षेत्र में, कि जो सबसे ऊपर वोट लेने वाले दो प्रत्याशी हैं, सबसे ज्यादा वोट लेने वाले, उनके बीच में फिर दोबारा चुनाव होता है जिसको हम रन ऑफ इलेक्शन कहते हैं। तो निश्चित तौर पर फिर दोबारा जो इलेक्शन होगा उसमें जो भी 50% से ज्यादा वोट ही लेगा जीतने वाला, इसको रन ऑफ इलेक्शन बोलते हैं। और ये फ्रांस में है ऐसी ऐसी जो चुनाव प्रणाली है, और अमेरिका भी के भी कुछ प्रांतों में इस चुनाव प्रणाली के जरिए जो है वो चुनाव होते हैं। तो ये दो मैंने किस्म आपको बताई, जो मेजोरिटी रूल जो भारत में है, एफपीटीपी उसका एक पार्ट है, और रन ऑफ इलेक्शन है। इसमें और भी आगे श्रेणियां हैं मेजोरिटी रूल में, उनका जिक्र नहीं करूंगा मैं, हमारे पास वक्त थोड़ा है, ये विषय वैसे भी बहुत विस्तृत है, इसमें बहुत टाइम चाहिए, तो अगर हमने इसको 1 घंटे में अगर पूरा करना है तो मैं कुछ कुछ बिंदुओं को ही छू सकता हूं, तो मैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा ही आपके साथ करूंगा। अब दूसरा जो पीआर सिस्टम है, अनुपातिक प्रणाली है, वो ये भी दुनिया के बहुत से देशों में है। इस प्रणाली में भी आगे कई श्रेणियां हैं। एक तो इसमें श्रेणी है प्रेफरेंस की, कि मान लीजिए सात कैंडिडेट खड़े हैं तो एक जो मतदाता है वो हर एक को अपना वोट डाल सकता है प्रेफरेंस लिख के, कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये कैंडिडेट है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो सात तक वो अपनी प्रेफरेंस देके वोट डाल सकता है। और उसको फिर काउंट करने का, वोटों को गिनने का जो तरीका है वो बड़ा ही जटिल है इस प्रणाली में, और मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वो इतना जटिल है कि उसको समझाने में ही, उसकी बात करने में ही काफी वक्त निकल जाएगा। वो हमारे हिंदुस्तान में ये प्रेफरेंस वाला जो सिस्टम है, ये बार काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं वकीलों के, उसमें ये अपनाया जाता है। हमारी जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें भी पीआर सिस्टम जो है वो अपनाया जाता है। लेकिन एक जो पीआर सिस्टम का सबसे आसान जो श्रेणी है, जो वो प्रणाली है, वो है लिस्ट पीआर सिस्टम। अब ये लिस्ट पीआर सिस्टम क्या होता है? लिस्ट पीआर सिस्टम ये होता है कि चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो चाहे वो देश के चुनाव हो, उसमें रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, उनमें व्यक्ति नहीं होते हैं मैदान में, चुनाव क्षेत्र में, उसमें राजनीतिक दल चुनाव में होते हैं। और जिस भी राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत वोट मिल जाएंगे, अगर देश में चुनाव हो रहे हैं तो पूरे देश में, अगर प्रांत में चुनाव हो रहे हैं तो पूरे प्रांत में, जिस भी राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत मत मिल जाएंगे विधानसभा या संसद के अंदर, उसको उतने प्रतिशत सीटें मिल जाएंगी। तो ये लिस्ट पीआर सिस्टम है। अब इसको लिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल एक लिस्ट बना करके अपने कैंडिडेट्स की
वो जो चुनाव की संस्था है, इलेक्शन कमीशन जिसको बोलते हैं, उसको सबमिट करेंगे और उसको सार्वजनिक भी किया जाएगा ताकि लोगों को पता हो कि किस पार्टी की तरफ से कौन से उम्मीदवार हैं। तो मान लीजिए एक राजनीतिक दल को 33% वोट मिल गए, तो इस चुनाव प्रणाली में ऐसा नहीं होगा कि आपने 33% वोट लिए हैं और आप सीटें 60% ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। उस क्योंकि उन्होंने 33% वोट लिए हैं तो उनको 33% सीटें ही जो चुनी हुई विधायिका है उसमें मिलेंगी, और लिस्ट में जो लिस्ट उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है पहले से इलेक्शन कमीशन को, उसमें ऊपर से प्रेफरेंस वाइज एक दो करके जो 33% उनके जो उम्मीदवार हैं वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे। तो ये लिस्ट पीआर सिस्टम है। मैं आगे चल करके जो एफपीटीपी सिस्टम है उसमें क्या कमियां हैं और पीआर सिस्टम की क्या खूबियां हैं इसकी चर्चा करूंगा। मैं आपको संक्षेप में बताता चलूं इसमें कि पहले बताया कि एफपीटीपी जो है वो भारत समेत इंग्लैंड में है और बहुत से देशों में है। ये करीब 60 देशों में एफपीटीपी के सिस्टम के अनुसार चुनाव होते हैं। दूसरी तरफ जो पीआर सिस्टम है, पीआर सिस्टम के तहत करीब 87 के करीब कंट्रीज हैं जिनमें पीआर सिस्टम के तहत चुनाव होते हैं। और पहले अगर हम आज से 30 साल 40 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की भी बात करें, तो जो ये एफपीटीपी का सिस्टम था, मेजोरिटी रूल का जो सिस्टम है था, इसके तहत चुनाव जिन देशों में होते थे उनकी संख्या ज्यादा थी। ये पीआर सिस्टम में जो संख्या बढ़ी है ये पिछले कुछ दशकों के अंदर बढ़ी है, क्योंकि दुनिया के बहुत से देशों ने ये पाया कि एफपीटीपी का जो सिस्टम है या जो मेजोरिटी रूल का सिस्टम है वो उपयुक्त नहीं है, वो पूरी तरह से प्रतिनिधित्वकारी नहीं है, उसमें बहुत सी कमियां हैं। इसलिए दुनिया के बहुत से देशों ने जहां पर पहले एफपीटीपी की प्रणाली थी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली के तहत चुनाव होता था, वो धीरे धीरे शिफ्ट कर गए हैं पीआर की तरफ, और आज के दिन 87 के करीब देशों के अंदर जो पीआर सिस्टम है उसके तहत चुनाव होता है। जिन देशों में पीआर सिस्टम के तहत चुनाव होता है उनमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड जैसे बड़े और महत्वपूर्ण देश भी शामिल हैं। अब दोस्तों, भारत में आप जानते हैं कि एफपीटीपी के तहत चुनाव होता है। एफपीटीपी भारत में कैसे आया? क्योंकि यहां अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजी राज में उनके अपने देश में भी इसी व्यवस्था के तहत चुनाव होता था, और इसीलिए हमने उसी व्यवस्था को अपनाया। जैसे हमने ब्रिटिश राज की और बहुत सी व्यवस्थाओं को अपनाया, हमने उनके कानून अपनाए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा अपनाया, हमने और बहुत कुछ अपनाया उनसे। तो क्योंकि हम उनकी कलोनी थे, हम उनके गुलाम थे, तो ये व्यवस्था जो चुनावी व्यवस्था थी ये भी हमने अंग्रेजों से विरासत में हमने ले ली। आप जानते हैं कि आजादी से पहले भी हमारे देश में चुनाव हुए, वो चुनाव भी इसी प्रणाली के तहत ही होते थे, तो स्वाभाविक था हमारे देश के ज्यादातर लोग इसी प्रणाली से परिचित थे, इसी को एक स्वाभाविक तरीका चुनावों का मानते थे, इसलिए आजादी के बाद हमने इसी व्यवस्था को अपना लिया। लेकिन और एक बात और बताता चलूं कि ये जो एफपीटीपी है इसने एक दौर में बहुत अच्छी भूमिका भी निभाई। वो दौर था जब हम आजाद हुए, बहुत ज्यादा राजनीतिक दल नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे माहौल के अंदर ज्यादा लोगों की, आम जनता की पार्टिसिपेशन में एफपीटीपी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो उसका एक रोल रहा है हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में। लेकिन धीरे धीरे जब हमारे देश में राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ी, हमारे देश में और इस तरह के व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन आए, तो धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अब एफपीटीपी जो प्रणाली है वो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में को मजबूत करने में नहीं बल्कि अब इसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है। क्या कमियां हैं
एफपीटीपी की प्रणाली की मैं संक्षेप में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। पहले तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत जो सबसे ज्यादा मत लेता है वो विजयी घोषित हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे मैंने इसका जिक्र किया कि एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के अंदर 7, 8, 10 कैंडिडेट खड़े हैं, उसमें जीतने वाला जो है वो 37% ले रहा है, 40% वोट ले रहा है। बहुत बहुत मैं आंकड़े दूंगा आपको, हमारे चुनावों के, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे बहुत से जो कैंडिडेट हैं वो 50% कम वोट लेकर जीत रहे हैं। यही नहीं, वो 40% से कम, 30% से कम, और यहां तक कि 20% से भी कम वोट लेकर वो जीत रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पहली बात कि एक अल्पमत वोट लेने वाला व्यक्ति चुनी हुई संस्थाओं में जा रहा है। अगर एक चुनावी क्षेत्र में 30% या 35% वोट लेने वाला जीत रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी के वहां 65%, 65% जो वोट हैं या 60% जो वोट हैं वो बेकार हो रहे हैं। उनका कोई आवाज, उनका कोई प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर नहीं पहुंच रहा है। इसका यह भी मतलब है कि वो जो 60% या 65% मतदाता हैं, जिन्होंने उसको वोट दिए जो हार गया, उनकी आवाज चुनी हुई संस्थाओं में नहीं पहुंच रही है। तो इसका मतलब यह है कि कम मत लेने वाला, 35% वोट लेने वाला चुनाव जीत रहा है, और इसके बावजूद कि उसको उसके क्षेत्र के बहुमत मतदाता नहीं चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है इस सिस्टम के अंदर। चुनावी प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक भी वोट बेकार ना हो, जिसमें एक क्षेत्र के सब लोगों का, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंध रखते हो, उन सबकी आवाज जो है वो चुनी हुई संस्थाओं के अंदर पहुंचे। लेकिन इस चुनावी प्रणाली के तहत हम देख पा रहे हैं कि जो अल्पमत है वो ज्यादातर चुनी हुई संस्थाओं के अंदर पहुंच रहा है। तो ये सही मायने में प्रतिनिधित्वकारी चुनावी व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात ये होती है, आप जानते हैं कि इस एफपीटीपी का जो सिस्टम है जिसके तहत भारत में चुनाव हो रहे हैं, इसमें क्षेत्र छोटे होते हैं पीआर सिस्टम की बजाय। पीआर सिस्टम में तो जो चुनावी क्षेत्र होता है वो या तो पूरा देश होता है या आपका एक राज्य होता है। तो लेकिन इसमें चुनावी क्षेत्र जो हैं वो कम छोटे होते हैं। दूसरा, ये व्यक्तिवादी है, व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, एक व्यक्ति चुनावी क्षेत्र में आपके सामने है। और फिर उससे क्या होता है कि क्योंकि चुनाव बहुत छोटे क्षेत्र में हो रहा होता है, जीतने वाले कैंडिडेट को कुछ सैकड़े या कुछ हजार वोट ही फालतू चाहिए दूसरे कैंडिडेट से, और वो जीत जाता है। तो इसकी वजह से आपको 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 या 10,000 वोट ही ज्यादा लेने होते हैं। तो हर कैंडिडेट हर तरह का तरीका इस्तेमाल करता है दूसरे कैंडिडेट से वो थोड़े से वोट ज्यादा लेने के लिए। उसमें पैसे का बहुत ज्यादा खर्च होता है, उसमें जो बाहुबल है उसका बहुत इस्तेमाल होता है, उसमें और तरह की जो बुराइयां हैं, जातिवाद है, धर्म है, सांप्रदायिकता है, ये बहुत रोल निभाती है। क्योंकि और जो चुनाव है वो बड़ा हॉटली कंटेस्टेड होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स को पता है कि हमने कुछ ही जो प्रतिशत वोट वो ज्यादा लेने हैं। और एक और बात, सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी जो टिकट दी जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, वो ये देख कर दी जाती है कि फलां जाति है, इसके उस विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वोट हैं, या कौन व्यक्ति कितना पैसा लगा सकता है। तो ये चीजें देख करके, उसकी योग्यता देखकर नहीं, उसकी काबिलियत देखकर नहीं, बल्कि ये पैसा और जाति और धर्म, ये चीजें देख करके उसको टिकट दी जाती है। क्योंकि मालूम है कि अगर हम जाति देख करके या धर्म देख करके वो टिकट देंगे तो इतने प्रतिशत वोट तो बल्क में आ जाएंगे हमें, बाकी के लिए और तरीके बहुत हैं।
तो इसलिए इस चुनाव प्रणाली में पैसा, बाहुबल, धर्म का दुरुपयोग, जाति का दुरुपयोग, इसकी संभावना बहुत होती है, जो हम हमारे देश में देख ही रहे हैं। मैंने पहले कहा इस प्रणाली में वोट बहुत खराब होते हैं। एक और इसमें जो इस व्यवस्था में बुराई है वो ये है गेरीमैंडरिंग। गेरीमैंडरिंग ये होती है कि जो सत्ता में दल होता है वो अपने जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए चुनाव से पहले जो विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर देते हैं। किसी का इलाका जोड़ करके दूसरे में डाल दिया ताकि विरोधी उम्मीदवार को हराया जा सके और अपने जो जीतने के जो चांस हैं वो बढ़ाए जा सकें। ये भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है इनमें ये बुराइयां जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर जो हैं वो आ गई हैं और ये सही मायने में प्रतिनिधित्वकारी नहीं रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे भारत के जो पिछले दो तीन जो चुनाव हुए हैं उनमें, और आप उनको देख करके साफ आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इस चुनावी प्रणाली में त्रुटियां हैं और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय अब कमजोर कर रहा है। मैं आपको एक तो 2014 और 2019 के दो चुनाव की मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं। आप जानते हैं 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ 2014 में, 2019 में 542 के लिए। और मैं आपको ये जो आंकड़े दे रहा हूं ये टोटल वोट जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उसके आधार पर है। आप जानते हैं कि टोटल वोट कुछ होते और होते हैं जबकि एक्चुअली पोल कुछ और होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो वोट डालने नहीं जाते हैं। उसकी भी एक बड़ी वजह होती है कि उनको उस इलाके का कोई भी जो कैंडिडेट है वो पसंद नहीं होता है, उदासीनता होती है चुनाव के प्रति। तो दूसरी बात, उनको यह लगता है कि जो जिसको हम चाहते हैं, जिस राजनीतिक दल को सैद्धांतिक तौर पर हम पसंद करते हैं, वो तो चुनाव मैदान में है नहीं इस क्षेत्र के अंदर। तो ऐसे बहुत से कारणों की वजह से, उदासीनता की वजह से जो मत प्रतिशत है वो हमारे चुनाव में बहुत। तो अगर हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल मतदाताओं की संख्या को देखें तो आप ये देखिए कि 2019 के चुनाव में तीन लोकसभा क्षेत्र थे ऐसे जिनमें जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसने 10% से कम वोट लिए। हैरानी की बात है कि टोटल वोटों में जो एक क्षेत्र में हैं उनमें 10% से भी कम वोट लेकर के जीतने वाले तीन कैंडिडेट आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। यानी कि उस विधानसभा के या उस लोकसभा के, माफ कीजिए, 90% से ज्यादा मतदाता उन महाशय को नहीं चाहते हैं। तीन लोग ऐसे हैं लेकिन वो पार्लियामेंट में हैं। इसी तरह से 2014 के चुनाव में 23 चुने हुए सांसद ऐसे थे जिन्होंने 10% और 20% के बीच वोट लिए। 199 ऐसे एमपी हैं 2014 में जो चुनकर आए जिन्होंने 20% से 30% के बीच वोट लिए, और 260 ऐसे थे 2014 में चुने हुए एमपी जिन्होंने 30% से 40% के बीच वोट लिए, और 57 ऐसे थे जिन्होंने 40% से 50% के बीच वोट लिए। 2019 में 120 सांसद ऐसे हैं चुनकर आए हैं जो इन चुनावों में जिन्होंने 20% और 30% से के बीच में वोट लिए, यानी कि 30% से कम और 20% से ज्यादा। और 294, 294 ऐसे हैं जिन्होंने 30% और 40% के बीच में वोट लिए, और 119 ऐसे हैं जिन्होंने 40% और 50% के बीच वोट लिए। यानी कि आप देखिए टोटल वोट्स का 10% लेके भी जीत रहे हैं लोग, 11 भी, 12 भी, 13 भी, और
कितने कम वोट लेकर के वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे हैं। मेजोरिटी लोग उनको नहीं चाहते हैं, मेजोरिटी भी मत कहिए इसको, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी कहिए, जो उनको नहीं चाहती है लेकिन फिर भी चुने हैं। अब आपको कुछ मैं और उदाहरण देना चाहूंगा कि किस राजनीतिक दल ने कितने प्रतिशत वोट लिए और उनको क्या सीटें मिली, क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम में यह भी एक दिक्कत है कि एक राजनीतिक दल मान लीजिए 5% वोट ले रहा है, उसको कोई सांसद नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दूसरा राजनीतिक दल है राष्ट्रीय स्तर पर, अगर हम प्रतिशत का अगर हम आंकलन करें, वो 2% या 1% वोट ले रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसके 8 और 10 और 20 सांसद भी चुन करके आ रहे हैं एफपीटीपी की वजह से। आप देखिए 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 4.14% वोट मिले, लेकिन उसको सीट को एक भी नहीं मिली 2014 के चुनाव में। और दूसरी तरफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1.56% वोट लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, उनको 6 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी 2.5% वोट लिए और उनको सीटें मिली 4। सबसे बड़ी बात देखिए 4.1% वाली पार्टी को कोई सीट नहीं मिल रही है, लेकिन इसमें एआईडीएमके को 3.27% वोट मिले राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन सीटें 37 37 सीटें मिल रही हैं उनको। और इसी तरह से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 3.84% वोट मिले राष्ट्रीय स्तर पर और सीटें मिल रही हैं 34 34। इसी प्रकार लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की आप जानते हैं, उसमें 2014 के चुनाव में उनको राष्ट्रीय स्तर पर 0.41% वोट मिले, लेकिन 6 सीटें मिली। और दूसरी तरफ शिवसेना को 1.85 और उनको सीटें कितनी मिलती हैं 18। तो आप देखिए कितना भेद है, 4% को कुछ नहीं मिल रहा है और 0.45 वाले को 41 वाले को 6 सीटें मिल रही हैं। तो ये एफपीटीपी का नतीजा है कि राष्ट्रीय स्तर पर इतना फर्क होने के बावजूद भी वोटों के प्रतिशत में जो सीटों में जो है वो इतना हेर फेर हो रहा है। 2019 के इलेक्शन में देखिए, 2019 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को 4.1% वोट मिले राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उनको सीटें 10 मिली। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को भी उतना ही प्रतिशत वोट मिले 4.1%, लेकिन उनको 22 सीटें मिली। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आप ये देखिए 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो मत प्रतिशत मिला वो 31% था, लेकिन उनको सीटें मिलती हैं 282 282। दूसरी तरफ कांग्रेस को 19.31% वोट मिला था 2014 में और उनको सीटें मिली हैं 44। आप प्रतिशत का अंतर देखिए और उसके साथ साथ आप सीटों का अंतर देखिए, ये बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट है, बहुत ही गैर अनुपातिक है। अब आप देखिए अगर हम 2019 के चुनाव में हम अगर मुख्य स्टेट पार्टियों का अगर हम तुलना करें, जो राज्य पार्टियां हैं उस उनका अगर हम वोट प्रतिशत और सीटों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, तो उसमें देखिए आप कि ऑल इंडिया अन्ना द्रुमक AIDMK को 18.72% सीटें मिली, प्रतिशत वोट मिले राज्य का। ये राज्य का प्रतिशत है, पहले जो मैंने कहा वो राष्ट्रीय स्तर का प्रतिशत था, लेकिन अब राज्य स्तर पर अगर हम प्रतिशत का अगर हम आकलन करें तो AIDM को 18.72% वोट मिले, लेकिन उनको सीट मिली एक। दूसरी तरफ DMK को 33.18% वोट मिले और सीटें मिली 23।
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट मिले, लेकिन सीटें मिली 5। अब आप देखिए श्रोमणी अकाली दल पंजाब में, उसको प्रतिशत मिल रहा है 27.76, लेकिन सीटें मिल रही हैं 2। इसी तरह से टीआरएस, उसको प्रतिशत मिल रहा है 41.71, 71 सीटें मिल रही हैं 9। तेलुगु देशम को प्रतिशत मिल रहा है 40.19 और उसको सीटें मिल रही हैं 3। तो ये मैंने आपको दोस्तों कुछ आंकड़े दिए, ये दर्शाने के लिए कि जो हमारी चुनावी व्यवस्था है भारत की, FPTP के तहत जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें किस तरह से जो परिणाम हैं वो बिगड़े हुए रूप में आ रहे हैं। जो जनता वो सही मामले में परिलक्षित नहीं हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है हमारे विधानसभाओं के अंदर और हमारी लोकसभा के अंदर। अब पीआर सिस्टम में ये कैसे दूर होगा? पीआर सिस्टम क्यों बेहतर है, हम इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा मैंने पहले शुरू में पीआर सिस्टम के बारे में बताते हुए जिक्र किया था कि पीआर सिस्टम का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि पीआर सिस्टम में पहली बात तो चुनाव व्यक्तियों पर केंद्रित नहीं होता है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं उसमें। तो जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक दलों का जो मैनिफेस्टो है, उनका जो कार्यक्रम है, वो केंद्र में रहता है, चर्चा उस पर होती है, व्यक्ति पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी हैं। पीआर सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि आप पूरे देश को एक हलका मान लें, या ऐसे भी हो सकता है कि आप राज्य को हल्का मान लें, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आप राज्य को भी कॉन्स्टिट्यूएंसी या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मान सकते हैं। ये आपके ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर है, जो कानून बनाती है कि वो किस तरह का कानून बनाए। पीआर सिस्टम के स्वरूप में इस तरह के जो जरूरी जो चेंजेस है वो किस तरह से करे। तो पीआर सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी मानते हैं, हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये सुझाव है कि भारत क्योंकि विविधताओं का देश है तो इसमें राज्य को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी मान सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। तो उसमें ये होगा कि मान लीजिए जी एक हरियाणा प्रांत, 10 पार्लियामेंट की सीटें हैं, तो 10 पार्लियामेंट की सीटें हैं हरियाणा में, पार्लियामेंट के चुनाव में जो सारे राजनीतिक रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी 10 कैंडिडेट की सूची इलेक्शन कमीशन को दे देंगे, और इसी तरह से बाकी राज्यों में भी जितनी जितनी सीटें अलॉटेड हैं पार्लियामेंट के लिए वो उतने उतने सूची वो जो राजनीतिक दल हैं, रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दल हैं, वो इलेक्शन कमीशन को दे देंगे, चुनाव हो गया। तो मान लीजिए बिहार की हम चर्चा कर लेते हैं, बिहार में एक राजनीतिक दल को 35% वोट मिल गए, तो उस सूची में से 35% जो सीटें हैं बिहार की टोटल, उनमें से 35% उस राजनीतिक दल को दे दी जाएंगी, और प्रेफरेंस वाइज जो लिस्ट में नाम है वो पार्लियामेंट में चले जाएंगे। इसी तरह से बाकी बाकी राज्यों के अंदर होगा। तो इसका फायदा ये है कि मैं चाहे कहीं भी बैठा हूं, मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा कैंडिडेट उस क्षेत्र में है नहीं है, क्योंकि मेरी पार्टी जिसको मैं चाहता हूं, जिसकी मैं आइडियोलॉजी से सहमत हूं, जिसके मैं मैनिफेस्टो से सहमत हूं, मुझे पता है वो चुनाव मैदान में है, तो मेरा वोट उस राजनीतिक दल को जा रहा है। तो उस राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं उतने प्रतिशत उसके कैंडिडेट जरूर जाएंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको चर्चा करूं कि एक कम्युनिस्ट पार्टी है, कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको 10% वोट मिलते हैं या 15 मिलते हैं या 20 मिलते हैं, तो आज के सिस्टम में हो सकता है कि इतने प्रतिशत वोट लेकर भी आपके 2-4 कैंडिडेट ही जाएं, लेकिन उस सिस्टम में आपके उतने प्रतिशत जो सांसद हैं वो जरूर जाएंगे। वोट खराब नहीं हो रहा है कुछ,
एक भी, बहुत कम वोट जो है, 1% या 2% वोट हो सकता है खराब हो, इससे ज्यादा जो वोट हैं वो खराब इस चुनाव प्रणाली के अंदर नहीं होते। हर व्यक्ति की जो राय है उसके अनुसार उसका चुना हुआ प्रतिनिधि कहीं ना कहीं उसको वोट जा रहा है और वो जीत रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये है कि इसमें वोट खराब नहीं हो रहे हैं, आपका वोट किसी ना किसी को जिताने के काम आ रहा है। दूसरा, क्योंकि जो क्षेत्र है वो बड़ा है या राज्य है या देश है, तो उतना खिंचाव नहीं है वोटों के लिए। मालूम है कि यहां 1,000 या 2,000 से किसी व्यक्ति की जीत या हार नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर उसमें पैसे का दुरुपयोग, उसमें बाहुबल का दुरुपयोग, उसमें जाति और धर्म का जो नारा है वो एफपीटीवी टीपी की बजाय कम होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसके लिए और बहुत से सुधार करने पड़ेंगे, लेकिन आज के सिस्टम की बजाय इस पीआर के सिस्टम में इन चीजों का जो उपयोग है, इनका जो असर है, काफी कम हो जाएगा। क्योंकि जो चुनाव, जो व्यक्ति, व्यक्तियों के जो आपसी जो इंटरेस्ट हैं, उनका जो हित है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इतना ज्यादा तीखा होकर के सामने नहीं आएगा, और लड़ाई उस तरह से चुनावी तीखी नहीं होती है इतनी, क्योंकि बहुत बड़े हैं क्षेत्र, और फिर उस क्षेत्र के अंदर किसी के पर्सनल इंटरेस्ट इतने ज्यादा नहीं है। तो ये एक इसमें और फायदा है। हम बहुत राइट टू रिकॉल की बात करते हैं कि जी अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म नहीं करता है तो उसको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन आज के सिस्टम में यह संभव नहीं है। यह संभव क्यों नहीं है? यह संभव इसलिए नहीं है कि अगर आपने किसी को रिकॉल करना है तो फिर उसका दोबारा चुनाव होगा, जो हमारे जैसे देश में ये नहीं हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर, पीआर सिस्टम के अंदर, आप राइट टू रिकॉल बहुत आसान है। किस तरह से? मान लीजिए ये कानून बनाकर आप राजनीतिक दल को अधिकार दे सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई सांसद जो है या आपका जो विधायक है वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा है, तो उसमें कुछ चेक्स और बैलेंसेस के साथ आप उस राजनीतिक दल को आप ये अख्तियार दे सकते हो कि आप अपने उस कैंडिडेट को वापस बुला लो, आप उसको विधानसभा या लोकसभा से वापस बुला लो, और फिर जो लाइन में अगला लिस्ट में व्यक्ति होगा वो अपने आप विधानसभा में या लोकसभा में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से दोबारा चुनाव होने की जो जरूरत है वो नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए जी किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी चुने हुए सांसद की या विधायक की, तो आज के दिन तो उसका चुनाव दोबारा होगा, लेकिन इस पीआर व्यवस्था में, लिस्ट पीआर व्यवस्था में इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है किसी सांसद की या विधायक की, तो वो जो खाली हुई सीट होगी वो उसी पार्टी का जो लिस्ट में अगला जो कैंडिडेट है उसको वो सीट मिल जाएगी। तो इसमें ये जो चीजें हैं इनका भी काफी जो समस्याएं हैं उनका हल हल हो जाएगा। अब जैसे मैंने दोस्तों जिक्र किया था, भारत में इस पर काफी चर्चाएं होती रही हैं कि ये चुनाव प्रणाली के अंदर सुधार किए जाएं। हमने ब्रिटिश से ले लिया, इसका एक रोल रहा, पॉजिटिव रोल रहा जैसे मैंने कहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा, राजनीतिक दलों को भी लगने लगा और जनता को भी लगने लगा कि अब ये जो एफपीटीपी का सिस्टम है ये हमारे देश के उपयुक्त नहीं रहा है, इसमें बहुत सी विषमताएं आ गई हैं, तो हमें कोई और सिस्टम अपनाना चाहिए। तो बहुत से कमेटियां बनी इन चीजों पर, चुनाव और भी चुनाव सुधार जो हैं, पैसे का जो दुरुपयोग है या जो और तरह की जो समस्याएं हमारे चुनाव प्रणाली में आ गई थी उनके ऊपर भी विचार करने के लिए बहुत सी कमेटियां बनी। हमारे यहाँ 1990 में, 1990 में गोस्वामी कमेटी बनी, उसके बाद 1993 में वोहरा कमेटी बनी, फिर चुनावों में जो खर्चा है वो राज्य करे इसके ऊपर लेकर के कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी जो सीपीआई के नेता थे, और इस कमेटी के अंदर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंद्रजीत गुप्ता तो चेयरमैन थे इस कमेटी के, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, सोमनाथ चटर्जी थे मार्क्सवादी पार्टी के नेता,
और बीजेपी के विजय मल्होत्रा थे, और भी दूसरे राजनीतिक दलों के जो लोग थे इस कमेटी में थे, और इस कमेटी ने बहुत से सुझाव दिए थे। मैं उन सुझावों की बाद में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं इस श्रृंखला में चर्चा करना चाहता हूं, वो है लॉ कमीशन की, कि इन कमेटियों के बाद एक 1998 में लॉ कमीशन को भी ये काम दिया गया, उनको ये जिम्मा दिया गया कि आप भी चुनावों के अंदर भारतीय चुनाव प्रणाली में किस किस तरह की तब्दीलियां आनी चाहिए उस पर थोड़ी सरकार को राय दीजिए। आप जानते हैं लॉ कमीशन बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के सेवानिवृत्त रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं देश के, और वो बहुत से कानूनी मसलों पर और दूसरे महत्वपूर्ण मसलों पर सरकार को राय देते हैं। तो इस चुनाव सुधारों के मामले पर भी लॉ कमीशन से ये निवेदन किया गया, और लॉ कमीशन ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज के बाद अपनी रिपोर्ट दी। उसने पूरे देश के अंदर बहुत से सेमिनार किए, बहुत सी गोष्ठियां की, उसमें दूसरे सब राजनीतिक दलों को बुलाया, और उसमें पूरी चर्चाओं के बाद जो रिपोर्ट दी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं आपके सामने मैं उस रिपोर्ट के रखना चाहूंगा। पहले तो लॉ कमीशन ने कहा कि जो लिस्ट पीआर सिस्टम है वो इस देश के लिए उपयुक्त है, तो उन्होंने प्रिंसिपल के आधार पर इस सिस्टम को सबसे बेहतर माना। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि अभी हम प्रयोग के तौर पर ये कर सकते हैं कि एक बार जो ये चुनाव होते हैं, जितनी पार्लियामेंट की सीटें हैं, जितनी असेंबलियों की सीटें हैं, उन सीटों के लिए एफपीटीपी के तहत ही चुनाव होने दिए जाएं। इनके अलावा 25% और सीटें क्रिएट कर दी जाए। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट में 543 सीटें हैं, तो लॉ कमीशन के अनुसार उन सीटों के लिए चुनाव ऐसे ही होता रहे जैसा हो रहा है एफपीटीपी के तहत, लेकिन 25% और सीटें क्रिएट कर दी जाएं। तो वो जो 25% अलग सीटें जो क्रिएट की हैं उनमें जो जाएं, वो चुनकर जिस राजनीतिक दल को जितने प्रतिशत वोट मिले हैं उसके हिसाब से चुनकर जाएं। चुनाव आयोग, माफ कीजिए, इलेक्शन आपका जो लॉ कमीशन है उसने कहा कि ये प्रयोग के तौर पर किया जाए। दलों ने कहा कि इसको 50% करो, आप 25% बढ़ा रहे हैं, इसको 50% करो। लेकिन चुनाव जो लॉ कमीशन है उसने कहा कि नहीं, एक बार हम प्रयोग के तौर पर कर रहे हैं, अगर ये सफल रहा तो हम इसको 50% भी कर देंगे। तो आइडली लॉ कमीशन ने भी माना कि लिस्ट पीआर सिस्टम सबसे बढ़िया विकल्प है भारत के लिए, क्योंकि लॉ कमीशन ने देखा कि दुनिया के दूसरे देशों ने भी, बहुत से देशों ने जहां पहले एफपीटीपी था उन्होंने शिफ्ट किया है, उन्होंने अपना लिया है, और ये सिस्टम वहां पे बेहतर ढंग से काम कर रहा है। चुनाव जो आपका लॉ कमीशन है उसने और भी बहुत से सुझाव दिए। उन्होंने इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का रो जिक्र किया, इसमें आपके जो फंडिंग का मामला है, स्टेट फंडिंग का मामला है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात लॉ कमीशन ने करी वो थी कि राजनीतिक दलों के बारे में, कि दुनिया के कई देशों के अंदर राजनीतिक दलों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनको क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, वो उनके संविधान में लिखा हुआ है, जैसे कि जर्मनी के। लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। हमारा संविधान हालांकि दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से है, हमारे संविधान में बहुत सी छोटी छोटी चीजों का भी जिक्र है, लेकिन बदकिस्मती से राजनीतिक दलों के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का, राजनीतिक दलों के बिना आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उनके बिना लोकतंत्र नहीं स्थापित हो सकता है, राजनीतिक दल बहुत जरूरी हैं। तो इतना जो जरूरी अंग है एक लोकतंत्र का, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वो जरूरी है कि होना चाहिए जिक्र हमारे संविधान में। तो इसलिए हमारे लॉ कमीशन ने कहा कि जो राजनीतिक दल हैं
उनकी जिम्मेवारियां तय होनी चाहिए। सबसे बड़ा जोर उन्होंने दिया इंटरनल डेमोक्रेसी पे, राजनीतिक दलों के अंदर। हम जानते हैं आज कुछ दलों को छोड़ करके ज्यादातर दलों में इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या हाल है। किसी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं, किसी एक पार्टी को बहुमत मिल जाता है, अब वहां मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार उस राजनीतिक दल के जो चुने हुए विधायक हैं उनका है कि वो अपना मुखिया चुने। लेकिन ज्यादातर ये नहीं होता है। ज्यादातर राज्यों के अंदर, ज्यादातर बड़े राजनीतिक दलों के मामले में ऊपर से जिसको हम हाईकमान कहते हैं वो निर्णय लेती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ है। इसी तरह से राजनीतिक दलों के चुनाव में कुछ दलों को छोड़ करके, खासतौर पर वामपंथी दलों को छोड़ करके, बाकी दलों के अंदर चुनाव इस तरह से नहीं होते हैं। वहां ऊपर से हिदायत आती है, इसको अध्यक्ष बना दीजिए, इसको फलां पद दे दीजिए। तो कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। तो अगर ये इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो फिर ये खतरा रहेगा कि पीआर सिस्टम के तहत जो लिस्ट बनेगी, जो इलेक्शन कमीशन को जानी है, उस लिस्ट के अंदर नाम कार्यकर्ताओं का नहीं रहेगा। जो सारा दिन और सारी उम्र मेहनत करते हैं उनका नाम नहीं जाएगा। कुछ धन्ना सेठों का जा सकता है, कुछ राजनेताओं के पुत्रों का, उनके परिवार वालों का जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी रहेगी। तो इसलिए राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जो है उसको मजबूत करने के ऊपर भी जोर दिया काफी चुनाव आयोग ने। तो ऐसा नहीं है कि ये हम कह रहे हैं पीआर सिस्टम की वकालत सिर्फ हम कर रहे हैं, बल्कि पीआर के सिस्टम की जो वकालत है वो इस देश की सबसे बड़ी एक विधिक संस्था ने की है। और उस संस्था ने ये नोट किया अपनी रिपोर्ट में कि कई राजनीतिक दल हैं जिनमें सीपीआई है, सीपीएम है, अकाली दल है, डीएमके है, उन्होंने पीआर सिस्टम की समर्थन किया। और बहुत से इंडिविजुअल भी थे, दूसरे राजनीतिक दलों के या इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने भी इस व्यवस्था का समर्थन किया। तो आज इस देश के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हम एक सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको स्थापित नहीं कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये दुनिया का भी अनुभव रहा है और दुनिया ने अपने अनुभवों से सीख करके बहुत से देशों ने एफपीटीपी प्रणाली को छोड़ करके इस प्रणाली की तरफ कदम बढ़ाए हैं और वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत बेहतर ढंग से चल रही है। ये अब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि एक क्षेत्र के अंदर आपको 60 और 65% मतदाता नहीं चाह रहे हैं लेकिन वो कैंडिडेट जीत कर जा रहा है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा यह निकलता है कि कानून जो बन रहे हैं हमारी संस्थाओं के अंदर, वो कानून सिर्फ उन व्यक्तियों के हकों में बन रहे हैं, उन समुदायों के हकों में बन रहे हैं जो एडवांटेज पे हैं, जो पहले से ही बहुत आर्थिक सामाजिक तौर पर बहुत मजबूत हैं। कमजोर तबकों के हित में कानून नहीं बन रहे हैं, बल्कि जो कानून पहले से बने हुए थे वो भी धीरे धीरे करके उनको भी खत्म किया जा रहा है। पैसे का बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है। आप देखिए, मैं आपको दो दो तीन उदाहरण दूंगा कि 2014 के चुनाव में हमारी जो लोकसभा थी उसमें 542 में से 443 चुने हुए सांसद ऐसे थे जो करोड़पति थे। यानी कि आप देखिए कि 82% जो कैंडिडेट हैं लोकसभा में जीत कर आ रहे हैं 2014 के चुनाव में, वो करोड़पति हैं। और इसी तरह से 2019 के चुनाव 475 सांसद ऐसे हैं आज हमारी संसद के अंदर, यानी कि 87.1% जो करोड़पति हैं। तो जब करोड़पति चुनकर आएंगे तो वो गरीबों के हित में कानून कैसे बनाएंगे? जब तक हम ये पैसे का जो प्रभाव है चुनावों पर इसको दूर नहीं करते। और इसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन के अंदर स्टेट फंडिंग हो। कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है कि आदर्श रूप में तो सारा जो चुनावों का खर्चा है, चुनावों के दौर राजनीतिक पार्टियों का भी जो खर्चा है, वो एक पूल बनाया जाए, उसमें सरकारी फंड हो और वहां से हो, किसी भी राजनीतिक दल को बड़े बड़े कॉरपोरेट से पैसा लेने की इजाजत ना हो।
वो हमारा इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का सुझाव था। हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पूल बनाया जाए, सारे खर्चे की बजाय कुछ जो मटेरियल खर्चा है, पोस्टर का है, प्रिंटिंग का है, डीजल का है, पेट्रोल का है, वो सब्सिडाइज रेट पे राजनीतिक दलों को दिया जाए, उससे शुरुआत की जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। इसके उलट लगातार पैसे का प्रभाव चुनावों के अंदर बढ़ रहा है। और उसका अब तो आप जो आखिर में हुआ, भाजपा की गवर्नमेंट ने जो किया कि फाइनेंस बिल के जरिए बॉन्ड का जो सिस्टम ले आए, और उसके तहत कोई भी कॉरपोरेट कितना भी पैसा दे किसी राजनीतिक दल को, उसको बताना जरूरी नहीं है, डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। कहां तो इस देश की जनता की यह डिमांड थी कि कॉरपोरेट से चंदा लेना बिल्कुल बैन किया जाना चाहिए। कॉरपोरेट क्यों चंदा देते हैं? कॉरपोरेट कोई समाज सेवा के लिए चंदा नहीं देते हैं राजनीतिक दलों को। कॉरपोरेट सरकार के कानूनों को, उनकी नीतियों को प्रभावित करने के लिए पैसा देते हैं। ये एक तरह की रिश्वत है। और इसका ही नतीजा है कि संसद के अंदर अगर सारे लेबर लॉज या राज्यों के अंदर लेबर लॉज अमेंड हो करके अगर मजदूरों के खिलाफ जा रहे हैं, तो उसकी यही वजह है कि ये बड़े बड़े राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है, इतना इतना पैसा देते हैं कॉरपोरेट और बड़े पूंजीपति, और उसकी वजह से ये सारी नीतियां और सारे कानून जो हैं वो लोक विरोधी होते जा रहे हैं। तो कहां तो जनता की मांग ये थी कि इन पर बैन किया जाए, टोटली बैन होना चाहिए कॉरपोरेट फंडिंग, और कहां इस सरकार ने आकर के इसको इस तरह से खोल दिया कि आप कितना भी बॉन्ड के रूप में चंदा लो, आपको डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है। और उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये देखिए, 2017 और 18 में इस कानून के आने के बाद बीजेपी ने सिर्फ 215 करोड़ टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया, उसमें से केवल बीजेपी को 210 करोड़ मिला। यानी कि टोटल 215 का जो फंड आया करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसमें से 210 करोड़ सिर्फ बीजेपी लेती है और 5 करोड़ कांग्रेस। तो आप देखिए किसको फायदा हो रहा है। तो ये इस मामले में भी हमारी ये मांग है कि जो इस तरह कॉरपोरेट फंडिंग है उसको टोटली बैन किया जाए और स्टेट फंडिंग की तरफ जो है वो कदम बढ़ाए जाए। एक इसके अलावा लास्ट में जो जिक्र करूंगा मैं, जो सबसे महत्वपूर्ण और भी एक जो जो कानून है उसमें बदलाव की जरूरत है। आज हमारे देश में सांप्रदायिकता का बहुत बोलबाला है चुनावों के अंदर, लेकिन हमारा कानून क्या कहता है? हमारे कानून में सिर्फ ये प्रावधान है कि अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई प्रत्याशी चुनावों के दौरान धर्म का दुरुपयोग करता है तो उसका चुनाव रद्द हो जाएगा। कहने का मतलब, चुनाव से पहले कोई राजनीतिक दल पूरे 4 साल, 4.5 साल पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, पूरे देश में सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा करे, पोलराइजेशन करे, धर्म की राजनीति खेले, या कोई कैंडिडेट ऐसा करे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्योंकि कानून कहता है कि चुनावों के दौरान अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उसका चुनाव रद्द हो सकता है। क्यों नहीं ऐसा कानून हो कि अगर कोई राजनीतिक दल धर्म का दुरुपयोग करता है, कभी भी करता है, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, उसका जो पंजीकरण है, वो रद्द कर दिया जाए। क्यों नहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको चुनाव ही ना लड़ने दिया जाए। हमारे कानून के अंदर अगर हमने अपने देश में इस तरह से धर्म के दुरुपयोग को या और बुराइयों को अगर खत्म करना है तो हमें इन संशोधनों की बहुत जरूरत है। अंत में मैं सिर्फ एक बात कह करके कि हमारे देखिए मित्रों, पीआर सिस्टम जो हमारे देश में हम मांग कर रहे हैं, हैरानी की बात यह है कि एफपीटीपी का सिस्टम का भी जिक्र कहीं नहीं है हमारे कानून में, हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं है। हमने संविधान बनाया लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा कि एफपीटीपी के तहत चुनाव होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। यह सिर्फ जिक्र कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है, उसका जो धारा नियम 64 है उसके अंदर जिक्र है, जिसमें यह लिखा गया है कि प्रावधान है कि किस तरह से एक कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर किया जाएगा, वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो उसमें जिक्र है कि जो सबसे ज्यादा मत लेगा उसको जीता हुआ डिक्लेयर किया जाए। तो हमने कितना कैजुअली लिया इसको।
एफपीटीपी का जिक्र, कि देश में चुनाव किस प्रणाली के तहत होंगे, इसका जिक्र ना हमारे संविधान में है। संविधान सिर्फ डायरेक्ट प्रत्यक्ष इलेक्शन की बात करता है, ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है। सिर्फ ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में किसको कैसे जीता हुआ डिक्लेयर किया जाएगा, ये उसमें प्रावधान है। तो इसलिए हमें ये जो कमियां हैं इसको तुरंत दूर करना चाहिए। अगर हमने हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोकतंत्र बनाना है, अगर हमने इस देश के सभी जो समुदाय हैं, चाहे वो जातियां हों, धार्मिक हों, क्षेत्रीय हों, वो चाहे भाषाई हों, अगर हमने उनको न्याय देना है, उनको हमारी चुनी हुई विधायिकाओं में अगर सही मायने में प्रतिनिधित्व देना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम पीआर सिस्टम की तरफ शिफ्ट करें। इसमें और देर की गुंजाइश नहीं है। जितनी देर हम कर रहे हैं उतना हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इसलिए जितना जल्दी हम इसको शिफ्ट करेंगे, हमारे नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। आखिर हमारा नौजवानों का भविष्य जो है वो आगे इससे प्रभावित होता है, हमारा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है। तो उनको चाहिए कि इसको लेकर कंपेन चलाएं।